हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज रिलीज होने वाली है द नन मूवी, और बेशक ये इस साल की सबसे बड़ी हॉरर मूवी होने वाली है। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस फिल्म को देखने थिएटरों में ज़रूर जाएंगे, बिकॉज हम सभी की एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा है कि वी कैन नॉट वेट टू सी द मूवी। लेकिन क्या आपको पता है कि द नन मूवी की रिलेशन कॉन्ज्यूरिंग और एनाबेल जैसी मूवी से भी है? जी हाँ दोस्तों, द नन मूवी से पहले आप सभी व्यूअर्स का ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर द नन की घटनाएं कब हुई और इन घटनाओं के होने का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको पूरी कॉन्जुरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन बताऊंगा, जिससे आप एकदम क्लियरली समझ पाएंगे कि द नन मूवी देखने से पहले आपको कौन कौन सी मूवी किस पर्टिकुलर ऑर्डर में देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीक्षा का, जिन्होंने मुझे इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिख कर दी। एंड विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, मार्वल और डीसी यूनिवर्स की तरह डायरेक्टर जेम्स वॉन ने एक पूरी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स बनाई है, जहां हम व्यूअर्स को द कॉन्ज्यूरिंग और एनाबेल जैसी बेहतरीन फिल्में देखने को मिली हैं। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के फिल्मों की इवेंट्स पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर एक इवेंट्स के बीच कुछ कनेक्शंस मिलेंगी और आपको एक क्लियर टाइमलाइन भी देखने को मिलेगा। इस टाइमलाइन की सबसे पहली इंसिडेंट हुई थी सन 1863 में, जब बशीबा नाम की एक औरत ने अपने 7 दिन के बच्चे की कुर्बानी दी थी डेविल को, फॉलोइंग विच उसने खुद की जान भी ली। और इसके बाद बशीबा ने हर उस फैमिली को कर्ज किया जो भी इस घर में रहने आई। ये इवेंट आप सभी व्यूअर्स को द कॉन्ज्यूरिंग मूवी में देखने को मिलेगी। अगली इवेंट हुई सन 1943 में, जब डॉल मेकर सैमुअल मुलिंस और उनकी पत्नी ईस्टर ने अपनी बेटी को खोया था, जिसका नाम एनाबेल था। एनाबेल की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और मुलिंस ने एनाबेल की आत्मा से कांटेक्ट बनाने की बहुत कोशिश करी। इस प्रक्रिया के दौरान मुलिंस ने एक डीमन को हमारी दुनिया में बुला लिया, जो कि एनाबेल के डॉल के अंदर प्रवेश किया। इस डीमन ने ईस्टर पे हमला भी किया, जिसके परिणाम अनुसार मुलिंस ने एक प्रीस्ट की मदद से इस डॉल को एक क्लॉजेट के अंदर बंद कर दिया। इस क्लॉजेट को बाइबल के पेजेस से कवर किया गया था ताकि ये डॉल बाहर ना आ जाए। दोस्तों, ये इंसिडेंट आप देख सकते हैं एनाबेल क्रिएशन मूवी में। तो इसकी अगली इंसिडेंट होती है सन 1952 में, जब फादर ब्रूक और सिस्टर इरीन जाते हैं रोमानिया, जहां एक नन ने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से खुद की जान ले ली थी। ये नन काटा मोनेस्ट्री में थी, और इन इंसिडेंट्स को डिटेल में हम देख पाएंगे द नन मूवी के अंदर, जो कि आज ही रिलीज होने वाली है। मूविंग ऑन, अगली इंसिडेंट आती है 1955 की, जब मुलिंस ने अपना घर दिया सिस्टर शॉर्ले और 6 होमलेस लड़कियां को, क्योंकि उनका ऑर्फनेज बंद हो गया था। एक यंग लड़की जैनिस एनाबेल के कमरे में जाती है और वो उस क्लॉजेट को खोल देती है जिसके अंदर वो कर्स्ड एनाबेल डॉल को सन 1943 में कैद किए थे। इस घटना के बाद जैनिस इस ईविल डीमन के द्वारा पजेस्ड हो जाती है और वो अपने दोस्तों को मार डालती है। फाइनली सिस्टर शॉर्ले किसी तरह जैनिस को उसी क्लॉजेट में वापस बंद करती है, बट मूवी के एंड में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जैनिस उस क्लॉजेट से निकल गई है और वो किसी ऑर्फिनेज में एनाबेल नाम से रह रही थी। अब ये इवेंट्स भी एनाबेल क्रिएशन मूवी से ही है। अगली इंसिडेंट होती है सन 1967 की, जब जॉन फॉर्म नाम के डॉक्टर अपनी प्रेग्नेंट बीवी मिया को एक डॉल गिफ्ट करते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एनाबेल डॉल थी। फिलहाल ये डॉल पजेस नहीं थी, क्योंकि वो इविल स्पिरिट जैनिस नाम के लड़की के अंदर थी, जो कि एनाबेल नाम से एक अनाथ आश्रम में चली गई थी। नाउ एज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, जॉन के नेबर ने ही एनाबेल यानी जैनिस को अडॉप्ट किया था, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो किसी सैटैनिक कल्ट का हिस्सा थी। एनाबेल खुद ही के घर में ब्रेक इन करके अपने उन पेरेंट्स को ही मार डालती है जिन्होंने उसे कई सालों पहले अडॉप्ट किया था। पेरेंट्स को मारने के बाद एनाबेल जाती है जॉन के घर, जहाँ वो उनकी बीवी पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अटैक करती है। इससे पहले वो कुछ और कर पाती, पुलिस वहाँ आके एनाबेल के बॉयफ्रेंड को मार गिराती है और एनाबेल उस डॉल को पकड़ के खुद की जान ले लेती है। इस घटना के बाद ये इविल स्पिरिट वापस उस एनाबेल डॉल के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो कि मिया और उसके पूरे परिवार को काफ़ी परेशान करती है। इस डीमन को मिया की सोल चाहिए थी, लेकिन मूवी के एंड में मिया की फ्रेंड एवेलिन खुद को सैक्रिफाइस करती है ताकि मिया और उसके बच्चे की जान बच सके।
एनाबेल डॉल अंधेरे में कहीं गायब सी होती दिखती है। दोस्तों ये इवेंट थी एनाबेल मूवी से। तो इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद हम सेम डॉल को परचेज होते देखते हैं एंड दिस डॉल वॉज ए गिफ्ट टू ए नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डेबी था। नाउ ऑब्वियसली ये डॉल हिलना डुलना शुरू कर देती है और ये डॉल डेबी पे हमला भी करती है। डेबी फौरन ही वॉरेंस को बुलाती है जो कि इस डॉल को अपने म्यूजियम में कैद कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इवेंट है सन 1971 की, जब रॉजर और कैरोलिन अपने 5 बच्चों के साथ उसी घर में मूव करते हैं जहां 100 से ज़्यादा साल पहले बशीबा ने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करके खुद की जान ली थी। बशीबा की ईविल स्पिरिट तुरंत ही कैरोलिन के शरीर पर अपना कब्जा बनाने लगती है और ये फैमिली वॉरेंस को मदद के लिए बुलाते हैं। एड और लॉरेन एक एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं विच फेल्स हॉरिबली, लेकिन एंड में कैरोलिन अपने परिवार के प्यार की शक्ति और वॉरेंस की मदद से बशीबा को अपने शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। ये इवेंट है द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म की और इस फिल्म के अंत में हम व्यूअर्स देखते हैं कि वॉरेंस को लॉन्ग आइलैंड में एक नई केस मिलती है। अगली इवेंट है सन 1976 की, जब वॉरेंस इन्वेस्टिगेट करते हैं अमिटीविले हाउस को। इस फिल्म के दौरान हम व्यूअर्स को पहली बार नन की झलक मिलती है जो कि लॉरेन को अपने ही घर के बेसमेंट में दिखी थी। नॉट ओनली दैट, लॉरेन को अक्सर अपने पति एड के मरने की विजन्स भी आती थी और ये विजन्स भी इसे ये डिमोनिक नन ही दिखा रही थी। इसके ठीक 1 साल बाद हॉक्सन परिवार को अपने घर में कुछ असाधारण घटनाएँ महसूस होती है और हॉक्सन की बेटी जैनेट इन घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। इन घटनाओं को देखते हुए ये परिवार बुलाती है वॉरेंस को और वॉरेंस तुरंत ही इस घर की तहकीकात करते हैं। वॉरेंस को इनिशियली तो लगता है कि इस घर में हो रही असाधारण घटनाओं के पीछे बिल विकिंस की स्पिरिट का हाथ है जो कि किसी जमाने में इस घर का मालिक हुआ करता था, लेकिन एंड में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि रियल ईविल ये डिमोनिक नन थी जो कि बिल विकिंस के स्पिरिट का बस इस्तेमाल कर रही थी। लॉरेन इस डिमोनिक नन का नाम एक बाइबल पे स्क्रिबल करती है और नन का नाम था वालक। लॉरेन वॉलक को नरक का रास्ता दिखाती है और ये इवेंट्स थी कॉन्ज्यूरिंग 2 मूवी से। तो दोस्तों ये थी पूरी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की इंपॉर्टेंट इवेंट्स ईयर वाइज इन करेक्ट ऑर्डर और आप सभी व्यूअर्स समझ पाए होंगे कि हर फिल्म एक दूसरे से काइंड ऑफ कनेक्टेड है और हर फिल्म की इवेंट्स डिफरेंट टाइमलाइंस में देखने को मिलती है। अब अगर हम इन सारी मूवीज़ को एक करेक्ट ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए द नन। नाउ आई नो द नन की इंसिडेंट सन 1952 की है और उससे पहले एनाबेल क्रिएशंस आती है, लेकिन जेम्स वॉन ने क्लियरली हम व्यूअर्स को बताया है कि द नन इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल, यानी द नन सबसे पहले है। द नन के बाद आप देखिएगा एनाबेल क्रिएशन को, फिर आप देखिए एनाबेल, फिर द कॉन्ज्यूरिंग एंड लास्ट में द कॉन्ज्यूरिंग 2। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी की कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स को लेकर सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होगी, जिसके लिए इस वीडियो पे लाइक एंड शेयर तो ज़रूर बनता है। इस टाइमलाइन को डिटेल में जानने के बाद मैं पर्सनली तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसलिए मैं आज ही जा रहा हूँ द नन देखने, क्योंकि संडे तक आप सभी को द नन मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी देनी है। आई नो आप उस एक्सप्लेनेशन को मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे और अगर ऐसा है तो जल्दी से हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। Peace.